You want to come inside? इस तरह मेरा दिन हमेशा सुबह सुबह शुरू होता है। जैसे मैं रात को जितने बजे भी सोऊं, वैसे मैं 8 घंटे की नींद लेता हूं। पूरे 7 में या 6 में घंटे पे ये भौंकना शुरू कर देती है, क्योंकि इसने आखिरी के 1 घंटे अंदर आना होता है और बेड में आके मेरे साथ सोना होता है बच्ची ने। मैं रहता हूँ छोटी सी बेसमेंट के अंदर। छोटी सी बेसमेंट में जैसे डॉग रखना इतना मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जो मेरे डॉग का साइज़ है ये स्मॉल साइज डॉग है, इंग्लिश बुल डॉग है, ठीक है। मैं मैक्सिको से लेकर आया था और अभी सुबह सुबह उठ रखी है, तो उसको भी सुस्ती चढ़ी हुई है, तो करके भागने वगैरह का इसका मन नहीं कर रहा। लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी है इसके अंदर, सिर्फ 6 महीने की है बच्ची अभी, तो करके फुल ऑन एनर्जी इसके अंदर हमेशा रहती है। तो उसको कॉफ़ी बनाते हुए परेशान करते हैं, क्योंकि जब भी मैं किचन में जब भी कुछ भी खोलता है तो इसको लगता है इसको खाना देने लगे हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्नैक दे देता हूँ जो उसकी ट्रीट्स है। वेट वेट ओके, इसको जितना मर्जी खाने को दे दो, इसको और खाने को चाहिए। जितना मर्जी दे दो, कुछ भी खोलो दिन के किसी भी टाइम पर, इसे कि और खाने को चाहिए जितना मिल सके। मैं खा रहा हूँ, ये नीचे बैठ रखी है, ब्लैक स्पॉट्स लग रखे हैं, इसलिए मैंने इसका नाम मून रखा था चांदनी, ठीक है। मैक्सिको से जब मैं इसे लेकर आया तो मैंने इसके आई गेस टिकट का भी नहीं पे किया, तो प्लेन वालों ने ऐसे ही आने दिया। इसके कहते अगर 10 किलो से आपका डॉग का वेट कम हो तो आप सिर्फ $120 पे करते हो, तो मैंने इसके सिर्फ $120 पे किए थे। और उसके बाद वैक्सीनेशन वगैरह इसकी सारी की सारी मैक्सिको से हो रखी थी, ठीक है। एकदम क्लियर था डॉग, इसके सर्टिफिकेशन वगैरह पेपर वर्क वगैरह इमिग्रेशन वाले मांगते हैं जब आप यहाँ पर कनाडा में लेकर आते हो। और मेरे जो थोड़े बहुत दोस्तों को मैंने बताया था कि यार तुम अभी भी स्टूडेंट हो, अभी मत लो, क्योंकि डॉगी के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको इनको टेंशन देनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा इनका ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। इनको बाहर दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार तो लेकर जाना पड़ता है। अगर आप नहीं लेकर जाओगे, पहली बात तो वैसे ही स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे भौंकते रहते हैं पीछे जब आप जा रखे हो। अब तक मेरे घर में बहुत चीज़ों का नुकसान हो गया, लेकिन मेरी किस्मत ये रही है, लेकिन इसने मेरी कोई चीज़ का नुकसान नहीं किया। अमन जो अपने कमरे में इस टाइम सो रहा है, इसने सारी अमन की चीज़ों का नुकसान किया। मैं कनाडा की ये बात होती है, इंडिया की तरह नहीं है। यहाँ पर आपको कुत्तों की पहली बात रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, हर साल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा डॉग लेके रखा है, उसका रजिस्ट्रेशन वैरी करती है। और उसके बाद इंश्योरेंस भी फिर महंगी होती है, इंश्योरेंस भी वैरी करती है। और सबसे पहले तो वापस आके बहुत ज़्यादा खूब सारा पानी पीती है। मेरे लिए ये जैसे जो रनिंग हो जाती है, इसके लिए भी एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आप बुलडॉग ले रहे हो, बुलडॉग्स को काफ़ी जल्दी हीट स्ट्रोक हो जाता है और इनसे काफ़ी इजीली इनकी डेथ हो सकती है, काफ़ी जल्दी ये मर सकते हैं। इंग्लिश बुलडॉग हो गया, फ्रेंच बुलडॉग हो गया, अगर आप जॉगिंग पर जा रहे हो आपको मेक श्योर करना है कि आप स्लो हो जाओ या आप रुको, इसको सांस लेने का मौका दो। ये देखो रेस्ट मोड ऑन हो गया, तो मैक्सिमम 1 घंटे के लिए सोएगी, फिर उसका जब उठेगी, उठने के बाद मैंने खाना मांगेगी, मेरे आगे पीछे घूमना शुरू हो जाएगी, फिर मैं दूंगा इसको इसका खाना। डाउन, मेरी वेट करिए, कब मैं इसको कमांड दूंगा खाने की। ओके, गुड जॉब। जितनी देर में अपना खाना खत्म करेगी मैं बाहर जाके एक्सरसाइज करूंगा, और फिर खाना खाने के बाद यहाँ पर ही बैठी रहेगी। आलस देखो, इसका पूरा मन कर रहा है बाहर आने का। अगर मैं यहाँ पर ना हूँ ना, और इसका बस चले ये खा जाए मेरे खरगोश को। आज दिन बहुत अच्छा बाहर, जो मैंने अपना जो खरगोश रैबिट निकाला था वो भी मेरे हाथ में नहीं आना चाहता, वो भाग रहा है। जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करता वो भाग जाता, तो मैं इसको भेजूंगा। मून गो गो गो।
तो एक बार वो कोने में चलेगा तो मैं पकड़ लूंगा उसे। खरगोश पकड़ लिया सिर्फ, ठीक है। ये एक और बात है इसकी, ये डॉग मैक्सिको से था तो जितनी भी इसकी कमांड्स है सारी की सारी इसको जैसे स्पेनिश में इसको पता थी, तो स्टार्टिंग में जब इसको ट्रेनिंग दी तो काफ़ी मुश्किल हुआ। तो बुलडॉग सिर्फ तीन चीज़ें ही करते हैं, खाना पीना, ठीक है, चीज़ों को तोड़ फोड़ करना और सोना। तो देखो पार्ले जी के बिस्कुट मैं लेकर अंदर जा रहा हूँ, देखो कैसे देख रही हो, वो आ गई। भूखी दिन में 16 घंटे सोती है और बाकी के जो 8 घंटे है उसमें इसको भूख लगी होती है हमेशा। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हाँ भाई ऐसे पास में आके बैठ जाती है कि इसको भी कुछ खाने को मिलेगा। खाने ने शोले, खाने ने शोले। इसको शुरू में पहले 2-3 हफ्ते मैंने काफ़ी खिलौने ला के दिए, अब मैं खिलौने लेके आता हूँ, क्योंकि खिलौने 1-2 घंटे के अंदर सारे के सारे तोड़ देती है। खिलौने जो होते हैं ना अनब्रेकेबल, अच्छे अच्छे ब्रांड के होते हैं, वो भी महंगे महंगे भी ला दो वो भी तोड़ देती है। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ बोतलें वगैरह कैन वगैरह देता हूँ, चबाती रहती है ये, इनके साथ ही खेलती रहती है। ये क्या किया मून, व्हाट इज दिस? तो ये चीज इसकी जैसे खेलने के लिए आपको दिखने में लग रहा होगा कि हाँ भी एग्रेशन के लिए, लेकिन एग्रेशन के लिए नहीं, इसकी जैसे एक तरीके से एक्सरसाइज हो जाती है मसल्स वगैरह की। अब 4-5 घंटे के लिए ये जाएगी सो, फिर शाम को उठेगी और कहेगी बाहर लेकर जाओ मुझे। How we were friends. तो ये दिन का सबसे बेस्ट टाइम है, अब मैं स्केटबोर्डिंग करूंगा और मैं पीछे पीछे भागेगी। मैं सोने से पहले इसको थकाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर इसे ना थकाऊं तो पूरी रात उठी रहती है, कोई ना कोई चीज़ को तोड़ फोड़ करती रहती है, आवाज़ करती रहती है, तो मैं इसे थकाऊंगा। अभी खेलने के बाद हम जैसे अंदर आ चुके हैं, बहुत ही जल्दी इसके सोने का टाइम हो जाएगा। सोने से पहले मैं इसको इसका खाना दूंगा। बहुत ही जल्दी इसका साइज इंक्रीज हो रहा है और वेट गेन कर रही है। जब ये छोटी थी तो बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, भी प्यारी है, लेकिन जब बच्चे छोटे होते थे तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगते हैं। इसको बिल्कुल नहीं पसंद जब मैं इसके मुंह पर फूंक मारता हूं। वेट 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 Go. तो इसको पता मैं किस टाइम बेड में सोने के लिए जाता हूँ, मुझसे पहले ही बेड में पहुंच रखी होती है। इसको अगर मैं खींचूंगा तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगी।